पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा, जनता को इससे मतलब नहीं है कि अंडा कहाँ बिकेगा, जनता को रोजगार चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक अनुभव मुंजारे ने कहा, वे सड़क पर जनता की लड़ाई लड़ेंगी और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। विधानसभा पहुंचे विधायकों ने अपनी सोच और कार्यप्रणाली को सबके साथ साझा किया। पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा, कांग्रेस का एक एक विधायक विधानसभा में चर्चा करेगा और जनता की लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम यादव ने अंडा मछली की फाइल पर साइन किए। आज जनता ये नहीं चाहती कि अंडा कहाँ बिकेगा और या भजन कीर्तन कितने तेज या कम होने चाहिए। जनता ये चाहती है कि युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। शपथ होगा उसके बाद जो जानकारी हमें मिली है सदन की कि राज्यपाल का अभिभाषण भी किया जाएगा और फिर उस पर चर्चा भी की जाएगी। तो जरूर कांग्रेस का एक एक विधायक चर्चा में भाग लेगा और विशेषकर हम चाहते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही हैं और जो हस्ताक्षर किए हैं, पहली बार जो सदन के अंदर आए थे वल्लभ भवन में, जो सीएम बनने के बाद जो उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, उनके कि अंडा कहाँ बिकना चाहिए, कहाँ नहीं बिकना चाहिए, कि भजन कीर्तन कितने वॉल्यूम पर होने चाहिए, है ज्यादा लाउड ना हो। लेकिन जनता कुछ और चाह रही है। जनता चाह रही है कि आखिर जनता के और युवाओं के रोजगार के लिए भाजपा सरकार क्या करेगी। जनता जानना चाहती है कि आखिर जब प्रश्न पूछा गया सीएम साहब से कि लाडली बहना योजना कायम रहेगी नहीं रहेगी, उनने कहा विचार करेंगे, ऐसा क्यों। जनता पूछना चाहती है सीएम साहब से कि क्या उनके कार्यकाल में गेहूं खरीदी 2700 रुपए पर की जाएगी नहीं की जाएगी। हम इन सब मुद्दों पर सीएम साहब से उनका वक्तव्य सुनना चाहेंगे। बालाघाट से कांग्रेस विधायक अनुभव मुंजारे ने कहा कि क्षेत्र का विकास करूंगी, मेरी विधानसभा की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगी। क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से मैंने 2 बार के सांसद और 7 बार के विधायक गौरीशंकर बिसेन को हराया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि हमारे चुनाव प्रचार के मामले में, कुछ चुनाव प्रचार में मीडिया का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला हमें और जनता के आशीर्वाद से मैं पहली बार विधानसभा में चुनकर आई हूँ और बहुत अच्छे मतों से मुझे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता ने चुनाव में जिताया है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि मैं अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक पूरी निष्ठा के साथ उठाने का काम करूंगी और जन समस्याओं के निवारण के लिए पूरा प्रयास होगा। और मैंने महाकौशल क्षेत्र के बहुत बड़े मंत्री, 7 बार के विधायक, 2 बार के सांसद और कैबिनेट मंत्री सम्मानी गौरीशंकर बिसेन जी को 29,500 मतों के लंबे अंतर से मैंने पराजित किया। मैंने मतलब मेरे क्षेत्र की जनता ने। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।